दोस्तों, यदि आप किफ़ायती और लो बजट हाउस डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल प्लान होने वाला है, क्योंकि आज का जो मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे और उनकी ये गुजारिश थी कि वो चाहते थे एक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा मॉडल बनाकर दिया जाए जो लगभग 3 से 4 लाख रुपये में कम्प्लीट हो जाए। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज हमने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको मकान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किचन, बेडरूम, बारंदा, लेट बाथ, स्टेयर्स और डाइनिंग हॉल, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। और लुक वाइज आपको इस घर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत देखने को लग रहा होगा, जैसा कि आपने देखा ही है। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्क्राइब करने वाले हैं आपके सामने और पूरा ओवरऑल मॉडल दिखाने वाले हैं कि कैसे आप इस मॉडल को बनवा सकते हैं कम पैसे में। दोस्तों, बजट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 से 4 लाख में आप इस मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका इतना फिनिशिंग ना हो, क्योंकि आपका मकान दोस्तों फिनिशिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल इस मॉडल को आप आसानी से 3 से 4 लाख में बना सकते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों एरिया जो कवर्ड किया है मात्र 400 स्क्वायर फीट ही एरिया कवर्ड किया है, जो कि आपके घर को लो बजट बनाने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि अगर आप एरिया ज़्यादा दोस्तों बनाएंगे तो जाहिर सी बात है घर का कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। ये मैंने केवल 20x20 में हाउस डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। और आप इस मॉडल का 2D डायग्राम चाहते हैं कि रूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है वगैरह, तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करिएगा। वहाँ पर आप इसका 2D प्लान मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो मॉडल है जो डिस्क्राइब करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम जूम करके आपको दिखाना चाहें तो देख सकते हैं आपको फ्रंट में 2 पिलर देखने को मिलेगा, ये मेन डोर है और ये एक बड़ा सा विंडो है, और आपके बारंदा एक देखने को मिलेगा। और इसी बारंदे से आपके स्टेयर्स हैं दोस्तों, जैसे चढ़ना स्टार्ट करेंगे और टर्न होकर आप ऊपर पहुंच जाते हैं, और उसी के नीचे मैंने लेट बाथ बनाने की कोशिश किया है। देख सकते हैं उसी के नीचे लेट बाथ बना हुआ है, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। हालांकि दोस्तों ये मैंने चारों तरफ से ओपन कर दिया है, ओपन का मतलब मैंने चारों तरफ विंडो दे दी है। अगर आपका मकान क्लोज्ड है तो आप इन विंडोज़ को हटा सकते हैं, केवल फ्रंट से ही जो आपका डिज़ाइन है उसे रख सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल आप बेहतरीन सा होने वाला है। तो अभी हम इसका ग्राउंड फ्लोर आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी रूफ हट गई है, और जैसे आप स्टेयर्स ऊपर जाएंगे तो आपको बारंदे का डिज़ाइन मिलेगा। और स्टेयर्स के चढ़ने के लिए आपको देख सकते हैं साइड में दिया मैंने ग्रिल भी लगा दी, इससे आप छत पर पहुंचेंगे डायरेक्टली। और मेन डोर आपका ये है, ये आपका विंडो है, इससे आप एंट्री करते ही आप सीधा पहुँचते हैं डाइनिंग हॉल में। ये आपका डाइनिंग हॉल है, और इसी डाइनिंग हॉल में दोस्तों मैंने किचन आपका सेट कर दिया, ओपन किचन आपका सेट हो चुका है। और ये एक बड़ा सा बेडरूम, लगभग 9.5x13 फुट का बेडरूम देखने को मिलता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डोर भी दे दी है। तो ये एक पूरा एक बेडरूम और किचन, डाइनिंग हॉल और बारंदे के साथ आपका 20x20 में एक वेल प्लान्ड मकान दोस्तों बना है। अगर आप सिंपल और लो बजट हाउस डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही किफ़ायती हो सकता है। दोस्तों अगर आप जाहिर सी बात अगर एरिया बढ़ाएंगे, बेडरूम और बढ़ाना चाहते हैं तो बजट बढ़ेगा। तो अगर आप और चाहते हैं कि और बेहतरीन सा मॉडल बनाकर दिया जाए जिसमें ज़्यादा बेडरूम्स हों, तो उसके लिए आप हमें पेड सर्विस का हमारा कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, वो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करके मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। इस मॉडल का अगर आप 2D प्लान चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारी वेबसाइट का। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसमें बहुत ही सिंपल सा एक बेडरूम और ये ओपन किचन, ये डाइनिंग हॉल, इधर स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे लेट बाथ, और ये आपका मिल जाता है यहाँ पर बारंदा। तो ग्राउंड फ्लोर ये ऐसा बना है, चारों तरफ से अगर आप इन विंडोज़ को हटाना चाहते हैं तो आप आसानी से हटा सकते हैं, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है। और ये ब्लैक कलर की दोस्तों जो आपको जाल टाइप का दिख रहा है, ये वेंटिलेशन के लिए मैंने जाल लगा कर दिया है। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप लास्ट फ्लोर की बात करते हैं तो 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, और फ्रंट में सिंपल सा ग्रिल का डिज़ाइन बनाने की मैंने कोशिश की है। और क्योंकि ज़्यादा अगर आप ग्रिल वगैरह स्टील का यूज करेंगे या किसी और का, तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ना तय हो जाता है। इसी वजह से मैंने बहुत सिंपल चीज़ें और कम चीज़ों का इस्तेमाल किया, इसमें आपका बजट 3 से 4 लाख में आसानी से इस घर को बनाया जा सके। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। पेड सर्विस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो आपको वहाँ पर पे करना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज के मॉडल को यहीं ब्रेक करेंगे, और कोई भी डाउट्स है, कोई भी आप मकान चाहते हैं, कोई इस्टीमेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।